चीज लेते हो अपने माइंड में कि ग्रूमिंग क्या होती है, कोई शेयर करे कि ग्रूमिंग क्या चीज है, ग्रूमिंग की कोई छोटी सी डेफिनेशन। सर एक बैरोक्रेट जब अपने बेटे को बैरोक्रेट बनाने के लिए तैयार करता है, कैसे एक इंजीनियर या एक डॉक्टर या एक फिलोसफर या एक साइंटिस्ट अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उसको पौधे को सींचता है, साथ साथ चलाता है, ग्रूमिंग उसको करते हैं, तो चीज नहीं थी उसको बनाने के लिए। ठीक है आपकी डेफिनेशन, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ग्रूमिंग हर पार्टिकुलर फील्ड की जो है ना वो डिफरेंट है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तो बहुत अच्छी बात आपने की है। वो तो डिपेंड करता है वो किस तरह अपने आप को जो है वो पूरी लाइफ स्ट्रगल कैसे करता है, कैसे वो अपने आप को मेंटेन करता है, इस लेवल तक पहुंचता है। जैसे फास आपने बात की थी, अच्छा ग्रूमिंग आप देखिए, कोई भी शख्स जब अंदर एंटर होता है आता है तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत मैटर करती है। आप कहीं भी चले जाएं, जो भी कहीं आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो जो भी आपका इंटरव्यूअर बैठा होगा उसकी जो पहली जो उसका परसेप्शन होगी आपके बारे में, वो आपकी अपीयरेंस होगी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आप एंटर हुए अंदर तो आपके जो शोल्डर है ये किस पोजीशन में है। अब आप इस तरह करके चले जाए वहां पे तो बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है ना पूरी उसकी आपके उसके ऊपर है। और ये जो इंटरव्यूअर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये वो लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है और हम लोग अक्सर इन चीज़ों में रिलैक्ट कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि यार बहुत लोग ऐसे रफली चले जाएंगे। अब जैसे कल तो मैं भी ग्रूमिंग पर आऊँ, लेकिन मेरी भी टाई जो है वो चार्ज उसका नॉट सही नहीं है। तो ऐसा कि आप जब भी जाएंगे आपका वो इंटरव्यू लेगा तो आपकी ए टू जेड हर चीज़ जो है वो अपने माइंड में बना के बैठा होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ इसमें देखनी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह का बंदा चाहिए और उसमें क्या होगा। आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल मैटर कर रहा होगा एट दैट टाइम, ये चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। आपका नॉट टाई का जो है वो भी देखा जाएगा, आपका बेल्ट कैसा है, आपने ये जो पहना हुआ है, आपका जो ड्रेस है वो कलर कैसा है उस तरह का। ज्यादा पहन के चले जाते हैं रंगीन किस्म के कपड़े तो वो बंदा वैसे ही पिंडी हुआ लगेगा वहां पे जाके। तो वो नहीं लगना, आपने क्या करना है अपने आप का ड्रेस ऐसा पहनना है कि जो अट्रैक्ट करे अकॉर्डिंग टू जॉब। जो जॉब आप जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उस जॉब के हिसाब से आप अपने आप को ड्रेसअप करके जाएं। और अच्छा तो मैं ये बात कर रहा था, जो इंटरव्यूअर होगा वो आपकी इन्हीं चीजों को देख के 50-60% को अपने माइंड में रख लेगा कि मैंने इसको जॉब पे रखना है नहीं रखना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अंदर एंटर हुए वो पहले माइंड बना लेता नहीं यार इसको जॉब नहीं देते। वो क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि बंदा जो है घबराया हुआ है, या ये जो आगे आने वाला ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, अगर तो कोई एनजीओ है बहुत प्रोफेशनल किस्म की या बहुत आपकी जो जिसका हमारे यहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नेस्ले है और मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो तो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि ग्रूमिंग पे वो तो बहुत वर्क करते हैं। इवन के जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं वहां पे जाते हैं तो वहां पर भी आपकी एवरी वीक या हर मंथली 2-3 दफा लाजमी जो है ग्रूमिंग के ऊपर आपकी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि आपने जाना है आप उनका प्रोडक्ट है, आपने मार्केट में अपने आपको पेश करना है। तो जाहिर बात आपकी ग्रूमिंग अच्छी हुई होगी तो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, नहीं तो वो फिर बाद में क्या होता है कंपनी बहुत ज्यादा किक आउट करती है प्राइस को जस्ट क्योंकि ग्रूमिंग जो है इंसान की वो नहीं भी पड़ी होती। एजेंडा जो है मेरा उसमें ग्रूमिंग है, बॉडी लैंग्वेज है और प्रोफेशनल एटीट्यूड, ये तीन चीजें हैं जो बहुत अहम है किसी भी तरह की जॉब को हासिल करने के लिए। अच्छा ग्रूमिंग जो है इट्सेल्फ ग्रूमिंग है क्या चीज, यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस है कि आप अपने आप को अट्रैक्टिव नीट और स्टाइलिश बनाए। अच्छा इसी जिस तरह हम बात करते हैं कि मैंने मर्दों की बात की, फीमेल जो है फीमेल के भी बहुत सारे जो है वो आप देखें वो भी उनका भी जो है ड्रेस कोड, उनका हेयर स्टाइल, उनका जो सिलेक्शन ऑफ उनके शूज हैं या किस किस्म का वो हैंड बैग उठा रही है, ये सारी चीजें बड़ी मैटर कर रही होती है डेट टाइम। आप देखें कि मेरा एक्सपीरियंस था फॉरन का भी, मैं गया हूँ लंदन में कुछ ऐसा वहां पे रहा तो वहां पे मैंने जो चीज देखी है उनके कल्चर में कि वहां पर लोगों में क्या है बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर है। आप देखेंगे कि आपको लोग मिलेंगे कुछ तो ऐसे हैं जो अफ्रीकन बैकग्राउंड के हैं, एशियन बैकग्राउंड के हैं, सारे आए होते हैं, सारे वहां जॉब्स कर रहे हैं। तो क्या है ड्रेस कोड, अब ऐसा नहीं कि उनका सबका सेम है, थोड़ा डिफरेंट भी है,
कोई ऐसे पेंट कोट में बैठोगा तो कोई इस तरह की फीमेल है जिन्होंने शफाफियत भी पहनी हुई है वो अलाउ करते हैं, क्योंकि इतना वहां पे आजादी है कि आप जो है अपने ड्रेस पे वो आपको देते हैं परमिशन कि आप ये किया जा सकते हैं या जो आप वहां पे जॉब कर रहे हैं उस हिसाब से। अच्छा आप देखिए कोई भी जब जैसे फीमेल है कोई कभी भी आप कलरफुल ड्रेस के साथ क्या होगा जाएंगी कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए या पार्टी उसकी बात नहीं कर रहा वहां पे तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रही हैं या कहीं पे स्पीच करने जा रही हैं तो ये थोड़ा एक बैड इंप्रेशन है ये कि लोग जो है वो देखेंगे थोड़ा सा कहीं जा रही प्रोफेशनल तो ही मतलब लग रही। और उसके अलावा यह कि आपने जो भी हैंड बैग कैरी किया हुआ है कहीं आप लेके जा रही हैं तो वो भी आपका मैटर करता है, अगर आपने घड़ी पहनी हुई है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लोग समझ जाते हैं कि यार टाइम मैनेज करने वाली होता है मतलब यह कि मैनेजमेंट में अच्छी होगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप पहनते हैं एसेट्स आपने उठाए होते हैं ना वो आपको जो है बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे होते हैं। अच्छा मैं जो अपना से ये कहता हूँ कि वैसे तो बहुत है ऐसे कि आपने देखा होगा कि ये तो पर्सनैलिटी तो ऐसी चीज है कि वर्ल्ड वॉर टू में जब देखें जब वर्ल्ड वॉर टू हुई थी आप लोगों ने पढ़ी है हिस्ट्री बहुत ज्यादा जो लॉस हुआ था लोग बहुत ज्यादा तो जान से गए थे बहुत जिसे कहते हैं इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर गई थी और जर्मनी उसमें लूट था फ्रांस था इंग्लैंड था तो उन लोगों ने किस तरह अपने आप को दोबारा जो है वो लेके गए हैं ऊपर कुछ अरसे में उन लोगों ने इतना क्या बनाया कि वो उन्होंने अपनी ग्रूमिंग पे काम किया और एट दैट टाइम ये जो डिग्री थी एमबीए की ये इंट्रोड्यूस हुई थी उस वक्त आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू या हिस्ट्री पढ़ सकते हैं उसमें क्या था उन्होंने कहा दोबारा लोग दोबारा ये ना सोचे कि यार हमने फिर लड़ना है मरना है ये काम करना है, उन्होंने फिर इस तरह लोगों को इस तरह एमबीए को सेट लाया गया कि आप लोग जो है वो इसको पढ़े स्टडी करें उस पर आप उनको मैनेजमेंट की उनको प्रोफेशनल ग्रूमिंग की उनको ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने की सारी चीजें बताएगी ताकि बाद में कभी ये जो है ना इस तरफ ना जाएं, इनको पता हो कि जो मौसी माशला होता है वो किस तरह ग्रो करता है। अच्छा ये कुछ चीजें हैं कुछ फंडामेंटल हैं बेसिक के आपके जो ग्रूमिंग में जो आती हैं आपकी चीजें के आपके जो बाल हैं हेयर क्लीन एंड स्टाइल्ड एप्रोप्रिएटली यानी कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू फील्ड जो है वो ड्रेस अप करते हैं। अब जिस बंदे ने बेचारे ने फील्ड में जाना वो तो नहीं कर सकता ना कि टाई पहने या कोट पहने और चला जाए, उसको तो जाहिर बात है जिस तरह की उसकी जॉब है उस नेचर से उसने अपने कपड़े पहने हैं। आपने देखा होगा अक्सर फीमेल्स भी बैठी होती हैं टेलीनॉर की फ्रेंचाइज पे चले जाएं या आप कभी किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं वहां पे जाकर उस टाइप का इस तरह का कमेंट सेक्शन में तो कम ही आपको नजर आएगा, तो आप देखेंगे बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की फीमेल्स होती हैं वो उन्होंने बैठाई थी। मैंने जैसे आपको बताया था मेरा एक्सपीरियंस था जाने का भाई तो मैंने फर्स्ट टाइम वहां पे जो लंदन में जो एप्पल की जो उन्होंने अपना बनाया हुआ सेटअप वहां पे गया तो उधर देख के मैं हैरान हो गया कभी मैंने ऐसी चीज देखी नहीं थी वहां पे इस तरह उन्होंने मतलब वहां फीमेल्स हैं मेल्स हैं इस तरह वो वर्क कर रहे हैं कैसा उनका सेटअप है बेहतरीन किस्म का और लोग खुद चाहते हैं वहां पे विजिट करने लोगों को वो दे रहे हैं आईफोन दे रहे हैं कि आप इनको यूज करें आप इससे जो कुछ करना चाहें आप इनके पूछें और लोगों का जो बात करने का तरीका है वहां पे आपसे मिलने का यानी जिस तरह वो आपको ट्रीट करते हैं तो पता लगता है कि यार वाकई जो है ना इनकी जो ग्रूमिंग हुई हुई है ना वो बड़े किसी लेवल की हुई है ग्रूमिंग इनकी। अच्छा लोगों की भी कुछ परसेप्शन होती है अबाउट कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोग क्या सोचते हैं। अच्छा प्रोफेशनलिज्म आ जाती है एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या मतलब क्या चीज़ आपके माइंड में आती है जब प्रोफेशनलिज्म की हम बात करते हैं कि आपके जहन में क्या आता है कैसा होना चाहिए प्रोफेशनल बंदा कोई भाई बताएगा या किसी के आइडिया में कि प्रोफेशनल बंदा कैसा होता है उसकी क्या परसेप्शन या पर्सनैलिटी का प्रोफेशनल बंदे के बारे में किस तरह का उसका एटीट्यूड होना चाहिए कोई अपनी फील्ड के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा लोगों की बहुत डिफरेंट परसेप्शन होती है कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा उनके लिए आपकी लुक्स आपकी अपीयरेंस मैटर कर रही होती है और कुछ ऐसे होते हैं वो आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है वो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ पे डेट एनकाउंट कर रहे होते हैं। सिर्फ जो ग्रूमिंग है ना वो आपकी अपीयरेंस से नहीं होती ग्रूमिंग
कि जी मेरी अपेरेंस अच्छी है, अपेरेंस तक एक चीज है, अपेरेंस भी पॉइंट है, लेकिन जो इंटरनल हमारी जो ग्रूमिंग है वो होना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए आपका बिहेवियर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ जो है वो ठीक नहीं है, या आप लोगों को सही से ट्रीट नहीं कर रहे, तो ऐसी जो चीज है वो आपकी पिछले अपेरेंस जितनी मर्जी अच्छी है वो आपकी क्या होगी, आपकी पॉपुलैरिटी की ग्राफ को क्या करेगी, नीचे ले आएगी। अब जब हमारी इंटरनल ग्रूमिंग होती है उसमें हमारी जो थॉट्स हैं कि जो जिस तरह से हम सोचते हैं, हमारा जो सोचने का एक तरीका है वो मैटर करता है, क्वालिटी थॉट्स कि आप किस तरह की आपकी सोच है। अब सोच जो है वो आती कहाँ से है, सोच बहुत चीजों से आती है। आप अगर अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, अच्छी वीडियो देखने वाले हैं, या अगर आपकी रिसर्च है, आप थोड़ी आर्टिकल्स रीड आउट करते हैं, तो क्या होता है जब आप जाते हुए सारा इतना नॉलेज लेके कहीं भी, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग होंगे वो बड़ा आपको गौर से सुनेंगे कि यार बाकी आपको भी बात शेयर कर दो, जी मैंने ऐसे डाउन बार में ये पढ़ा, वहां पे ऐसा हो गया, स्टॉक मार्केट यहाँ पहुंच गई, क्या ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी बना रही होती हैं, काउंट कर रही होती हैं, लोग सुन रहे होते हैं आपको, यार बाकी ये बंदा जो है रखते हैं नॉलेज, तो क्या होता है ये प्रोफेशनलिज्म आ जाता है आपके अंदर। फिर इसके अलावा देखेंगे आप इंटेलिजेंस, रिलायबिलिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें भी आती हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का से ट्रीट कर रहे हैं, लोगों की तारीफ करें इन फ्रंट ऑफ देम, मतलब कि अगर आप किसी से मिलते हैं तो कोशिश करें कि ज्यादा लोगों के सामने, ठीक है अगर किसी ने कुछ गलत किया तो ट्राई करें उसको अकेले में समझाएं, ये ऐसा कि अगर लोगों को अप्रिशिएट करें तो उनके सामने उनको अप्रिशिएट करें, उनको बताएं कि भाई आपने क्या होगा, उससे लोगों का जो मोटिवेशन लेवल होगा ना वो बहुत बढ़ेगा, आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो भी एट दैट टाइम काउंट होगी, वो भी लोग आपके पास आएंगे। मैं कहता हूँ कि जो पर्सनैलिटी है ना इंसान की वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे मैग्नेट होता है, आयरन का तो पता ना कि आयरन मैग्नेट के साथ आगे कैसे फौरन उसको मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट करते हैं आपकी तरफ, इसी तरह आपकी पर्सनैलिटी भी इस तरह की होनी चाहिए कि हर चीज जो है, हर शख्स जो है बेशक जिस मर्जी फील्ड से है, उसका बैकग्राउंड किसी भी फील्ड से है, आपकी पर्सनैलिटी में इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि वो आपसे बात करना पसंद करे। अगर आपको लगता है कि लोग कहीं दूर भाग रहे हैं या मुझे सुनते नहीं है या मेरी बात को फोकस नहीं करते, तो वहां पे आपको अपना एनालिसिस करने की जरूरत है कि भाई गलती है कहाँ पे, मेरे बिहेवियर रूड है या मैं रिस्पेक्ट का मेरा लेवल कम है या मैं कुछ ऐसा बोलता कम हूँ। बड़ी ये चीजें हैं, बोलते कम होंगे आप तो लोग थोड़ा सा आपके बारे में सोचेंगे यार शायद ये बंदा ना रूड है या किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। ये चीजें जो आपने ना ये इन पे वर्कआउट करना है। अच्छा अब जो हमारी पर्सनैलिटी है, अब ये भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताती हैं, उसमें टेक्स्ट राइटिंग है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी विजुअल्स है, स्पीकिंग है। अच्छा जो राइटिंग होती है ना आपकी बहुत काउंट करती है। अब लोग कहते हैं यार राइटिंग से पर्सनैलिटी कैसे बनती है, आप जो लफ्ज लिखते हो, जो लिख रहे हो, जो पढ़ने वाला है अगर तो वो डीपली पढ़ने वाला है तो वो जज कर लेता है कि यार जिस बंदे ने लिखा हुआ है आखिर किस लेवल की उसकी सोच होगी, क्या वो सोचता होगा। आप किसी भी अच्छे ऑथर की बुक पढ़ लें तो आपको लगेगा कि यार ये वाकई जो है ना किसी लेवल के बंदे ने लिखी हुई है। टेक्स्ट राइटिंग, बॉडी लैंग्वेज आप देखें। अच्छा बॉडी लैंग्वेज जो है इसके ऊपर तो खैर बहुत रिसर्च हुई।